अब हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 लाइट इन द नाइट पढ़ने लगे हैं। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। लंदन एक बहुत बड़ी कैपिटल सिटी यानी दारुलकूमती शहर है। एट नाइट इट ग्लोस ब्राइटली, रात के वक्त इट ग्लोस ब्राइटली ये रोशन होती है लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़, बहुत से जदीद शहरों की तरह। बिफोर द 70s लंदन वॉज मच स्मॉलर देन इट इज़ नाउ। 18वीं सदी से पहले लंदन बहुत छोटी थी अब के मुकाबले। ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट नाइट्स पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज। जब बादल नहीं होते, बिना बादलों के मूनलाइट यानी चांदनी नाइट्स एंड रातें, जो लोग थे वो लोग होते हैं ना वो बाहर घूमने के वो एडवांटेज यानी फ़ायदा उठाना, वो फ़ायदा उठाते हुए रात के वक्त चांद की रोशनी से बाहर जाते हैं और एक सोशलाइज यानी एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, लेकिन रात के वक्त ना इस शहर में बहुत डेंजर यानी खौफ आता है, क्योंकि यू कैन ट्रिप फॉल एंड इंजर योरसेल्फ, क्योंकि आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो और खुद रिस्क में आ सकते हो। इफ़ यू फेल इन द रिवर मतलब यू कुड ड्रोन, अगर आप एक दरिया में गिर जाओ तो आप डूब जाओगे। यू कुड बी अटैक्ड और रोड बाय द क्रिमिनल्स हु रोम द स्ट्रीट्स। आप किसी के मतलब कोई आप अटैक कर देगा, आप लूट जाओगे किसी के हाथों, क्रिमिनल्स कहते हैं इसको, चोरी करने वाले मुजरम को, हु रोम द स्ट्रीट्स जो हर वक्त गलियों में फिरते रहते हैं। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट, आप आसानी से गुम जाओगे। इफ पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट, अगर लोग चाहते हैं कि वो रात के वक्त जाएं, दे वुड हैव टू कैरी अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प, और उनको चाहिए कि अपने साथ एक बर्निंग टॉर्च यानी जली हुई मशाल लेके जाएं, अगर वो नहीं तो एक लैम्प। अगर तो वो कोई बंदा अमीर है, हद से ज़्यादा अमीर है, इनफ यानी हद से ज़्यादा, तो वो कुछ और अच्छी चीज़ लेके जाएगा, उससे महंगी कोई एक्सपेंसिव चीज़। देयर वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड फॉर अ फी स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल। अब वहाँ यहाँ पे ना लोग लड़के होते हैं जवान, वो कुछ पैसों में ना एक बर्निंग टॉर्च पकड़ते हैं चंद पैसों में और लोगों के सामने चलते हैं, लोगों ने उनको अपने पास रखा होता है मुलाजमत के तौर पे, और ताकि वो लोग मतलब सही तरह चल पाए। हाँ, अंधेरे में नहीं। लेकिन सम ऑफ दीस लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, उनमें से कुछ लोग लड़के डिसऑनेस्ट होते हैं यानी बेईमान होते हैं। एंड वुड रोब द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड, और उस बंदे को ही रोब कर लेते हैं, मतलब उस बंदे को ही लूट लेते हैं जो जिसने उसे मुलाजमत पर रखा होता है, एम्प्लॉयड यानी मुलाजमत। देम एंड देन रन ऑफ, और सबसे पहले वो टॉर्च ऑफ करते हैं भाग, और फिर भागते हैं, और वो जो बंदा धीरे में होता है उसकी लूट कर लेते हैं और उसको वहीं पर छोड़, हाँ उसको वहीं चोट चल जाते हैं और भाग देते हैं। बाय द अर्ली 80s द 70s 18वीं सदी के शुरू में बिजी सिटीज यानी के मसरूफ शहर लाइक लंदन एंड पेरिस, मशहूर शहर जैसे लंदन और पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स, उनके अंदर ना स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, स्ट्रीट लैम्प्स इसको कहते हैं, मुझे पता है। वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज ऑफ ऑफिस, पहले ना शुरू में लोगों के घरों के बाहर जो विंडोज होती हैं यानी खिड़कियाँ, उसने वो ना एक जला वो लाते थे, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रीट लैम्प्स लाते थे हल्का सा। पुलिस इन्फोर्स अ लॉ डैट सेट एवरी हाउस हैड टू हैव अ लैम्प बर्निंग इन द विंडो एट ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब पुलिस ने एक लॉ क्रिएट किया, एक ना वो लॉ क्रिएट किया कि जिसमें ना हर किसी को अब ज़रूरी हो गया है कि वो घर के बाहर ना ये लैम्प रखे जलता हुआ, जो नहीं अच्छा अगर वो रात के वो बुझ जाए ना तो उसकी जिम्मेदारी के फिर से, हाँ अगर वो नहीं चला सकता तो उसको जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प, कुछ लोगों ने अपनी खिदमात हाजिर की और ना लैम्प लाइटर्स का काम शुरू कर दिया इन रिटर्न फॉर पेमेंट, लेकिन वो पैसे भी लेते थे। लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट, उन्होंने ना
लोगों को यकीन दिलाया कि आपका जो लैंप लाइटर से ना, लोगों को यकीन दिलाया कि आपका जो लैंप हम बाहर लगा रहे हैं स्ट्रीट लैंप वो बुझेगा नहीं। पीपल जो लोग थे ना उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। पीपल एंड मेक देम फील सेफर, वो लोग अब सेफ महसूस करते हैं। द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स दे बॉट एंड लुक ओवर द इंस्टॉलेशन। जो अथॉरिटीज मतलब जो अथॉरिटीज कहते हैं काम को, जो अथॉरिटीज थी ना, जो द अथॉरिटीज रियलाइज द बेनिफिट्स दे ब्रॉट एंड लुक टुक ओवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ देम। जो हुकाम थे ना उनको उनको उन्होंने जब किया उनको ना एहसास हुआ इस बात का कि हमें भी ऐसे करना चाहिए। उन्होंने ये काम शुरू किया और इसकी तंसीब की, इंस्टॉलेशन यानी तंसीब करना एंड मेंटेनेंस यानी मेंटेन करना उसको। उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया। ऑल ओवर यूरोप द यूज ऑफ लैंप पोस्ट ग्रो की सेकेंड फॉर्म। पूरे यूरोप में ना लैंप पोस्ट का काम ज़्यादा भर गया। इन द 70s 18वीं सदी के एंड में ना लंदन ग्रू रैपिडली एंड बिकम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड मैनुफैक्चरिंग एंड फैशन। लंदन ना तेज़ी से भरने लगा और वो ना वर्ल्ड का फैशन सेंटर बन गया। बिजनेस बिकम इम्पोर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग द इन द लाइट बिजनेस। हाँ मैंने यही कहा बिजनेस लोगों के जो बिजनेस थे ना वो इम्पोर्टेंट हो गए एंड लाइट और लाइट वर्ल्ड मतलब उनकी अब जरूरत बन गई है लाइट टू कीप द लाइट सिटी वर्किंग इन एंटरटेनिंग और लोग एंटरटेन हो इससे। बाई द लेट 70s 80s 70s लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स दैट विजिटर्स टू द सिटी वर्ल्ड सदी के बाद उनके पास बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प्स थे। 18वीं सदी के बाद ना लोगों के पास स्ट्रीट लैम्प्स आ गए बहुत ज़्यादा लंदन में, ठीक है। दैट विजिटर्स टू द सिटी वर्ल्ड अमेज बाय, और जो विजिटर्स थे ना यानी स्याह वो हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। द लैम्प्स वर फिल्ड वैक्स और ऑयल दैट गेव ऑफ मतलब होता है एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफ। वो जो लैम्प थे ना वो ना वैक्स और ऑयल से भरे हुए थे। वैक्स कहते हैं मोम को, वो मोमबत्ती के ऊपर लगे डैट की, लेकिन ना उससे वो थी तो मतलब वो ना एक गंदी स्मेल देता था। अनप्लेजेंट यानी गंदी और स्मेल यानी बदबू ड्रिप, और ना उसके ऊपर से ना वो गिरता था। वो जो मोम थी ना उसकी वैक्स वो ना पिघल के ना उसके अंदर ही, वो जो ऑयल था ना उसके अंदर ही गिरी जाती थी बाहर। मैनी पीपल वर भूल जाती थी। हाँ मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर, बहुत से लोग मतलब मुलाजमत करने लग गए एज लैम्प लाइटर्स के तौर पर। बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग, क्योंकि हर लैम्प की ज़रूरत थी हर लैम्प की ज़रूरत थी कि वो सुबह के सुबह वो रात के वक्त से ना वो अब रात के वक्त वो उनका लैम्प लाइटर्स लाइट लाते थे और सुबह के वो उसे बुझा देते थे। वन जर्मन टूरिस्ट विजिट लंदन इन द 70s। एक जर्मन था वो ना, एक जर्मन सियाह था वो ना, एक बार ना उसने ना लंदन में आया एक बार 18वीं सदी में। इसने एक डायरी लिखी, क्या लिखा उसने डायरी में, एज इट वॉज क्वाइट डार्क व्हेन आई केम बैक द फर्स्ट इवनिंग। वो कहता जब मैं आया ना यहाँ पे तो वो खामोशी थी, सुनसान सा सब कुछ, अंधेरा। वो मैं अस्टोनिश, मैं हैरान हो गया एज एडमायरेबल मैनर, एक अजीब मैनर पे इन विच द स्ट्रीट्स वर आर लाइटेड अप। वो कहते हैं मैंने देखा कि जो सुबह के मैंने रात के वक्त देखा कि स्ट्रीट्स जो थी ना यानी सड़कें वो रोशन, गलियाँ रोशन हो रही थी। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग एंड लिवली। जो ब्राइट लैम्प्स थे ना जो उसने लैम्प्स लगे हुए थे स्ट्रीट्स में वो उसने ना सारा नज़ारा एक्साइटिंग बना दिया था और ना लिवली यानी जानदार जान आ गई थी उसमें नज़ारे में। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट इवन वन ऑन द मोस्ट ऑर्डिनरी एंड कॉमन नाइट्स। जो लैम्प थे ना वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि
वो सादा मतलब आम हो गए थे, कॉमन थे, आम। द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ सिटी, इतने लैंप लग चुके थे कि जैसे आम हो गया सब हाँ कुछ। आम हो गया था, जैसे वह हमारी ईद होती है तो उसमें वो लगता है, हम लोग घर के भाई लाइट्स लगाते हैं और उस तरह सजाते हैं, उनका आम था ये। हमारा तो कभी कभी होता है ना साल में एक दफ़ा एक दो दफ़ा, उनका आम हो गया था। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो लैम्प लाइटर्स थे ना, वो एक इम्पोर्टेंट और वैल्यूड पार्ट, मतलब उनको एक उनका एक सोसाइटी में ना उनका वैल्यू, उनकी वैल्यू बन चुकी वैल्यू थी। बन चुकी हाँ थी वैल्यू। सोसाइटी में पूरी मात्रा। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकम अ की फिगर इन द, क्योंकि वो एक दूसरे के रबते में जाते थे और एक्टिव रहते थे। दे वुड वॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, अरे एंड उनको ना उनको दिन में ना दो दो बार चक्कर लगाते थे पूरे एरिया का कि पुलिस, नहीं, लैंप लाइटर्स अच्छा लैंप लाइटर्स, कि वो चेक करते थे कि हर चीज़ साफ है, क्लीन, फिक्स लिट, हर चीज़ अपनी जगह फिक्स है, साफ है और लिट यानी जली हुई है, और पुट आउट द लाइट्स, या लाइट भाई तो नहीं आ गई। दे वुड नोटिस वट वॉज गोइंग ऑन अराउंड देम, उन्होंने ये भी वो उनका ये काम था कि उन्होंने नोटिस किया कि कुछ हो तो नहीं आसपास, क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हैव टू मेक देयर रूट सेफर, वो जो बहुत से लैम्प लाइटर्स ने ना अपनी ही हेल्प की और ना अपना जो रास्ता था ना उसको ना सेफ बनाया, यानी कि कह लो कि अच्छा सेफ बना लिया, कि ये नहीं कि आम रास्ता सेफ बना लिया। देयर जॉब रिक्वायर्ड मेहनत की उनकी मतलब एनर्जी, स्ट्रेंथ, एबिलिटी एंड री पेशेंस। उनकी उनकी जो जॉब थी ना वो तकाजा करती थी ताकत का, स्ट्रेंथ का, हिम्मत का। हिम्मत का और उसका पेशेंस का, वो सब्र का। दे हैड टू कीप द लाइट्स क्लीन, मेक श्योर द विक्स इन द मॉर्निंग, उनको उनका उनका काम था कि लाइट्स को क्लीन रखना और मेक श्योर करना कि वो जल रही है, कि बंद तो नहीं होगी कहीं। अच्छा यहाँ पे विक्स वो ट्रिप, और वो कटी हुई है सही तरह कि वो सही तरह नो उनकी है ख़राब तो नहीं होगी। टू द राइट लेग, राइट साइड से ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग एंड रात को, रात के वक्त ना वो लैम्प लाए थे एंड पुट डैम अकाउंट एंड रात के वक्त लाए थे और सुबह के वक्त बंद कर देते थे। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी द गार्डियन इन देयर कम्युनिटी कम्युनिटीज एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास ऑन द फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। जो बहुत से लैम्प लाइटर्स थे ना उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी यही काम शुरू कर लिया। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिजाइन विद अ बार स्टिकिंग, उन्हें जैसे एक मैग्नेट बार मैग्नेट नहीं होता वो ऐसे होता है, हाँ। वैसे ही वो ऐसे करके ना लैंप थे ऐसे ऐसे करके आउट ऑन देयर साइड और द टॉप, वो टॉप से कोना बना हुआ था उसका ऊपर ये डेयर द लैंप लाइटर कुड सेफली रीसेट, ताकि वो आराम से उसको खोले और लाइट निकाले और चेंज मतलब करें। फिर से हाँ चेंज करके जला दें। ऑन देम लैंप लाइटर्स मूव क्विकली कैरिंग देयर लैडर एंड गोइंग अप एंड डाउन इन लैंप, ये सीढ़ियाँ नजर आ रही है ना, लैंप लाइटर्स ना अब आम हो गए थे कि उन्होंने मुझे हजार ऊपर जाते थे ऊपर जाते थे नीचे आते थे ऊपर जाते थे नीचे आते थे लैडर एंड हाँ। द लैंप पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैंप, जो लैंप लाइटर्स थे ना उन्होंने ना उसको ऐसे डेकोरेट कर दिया, लगता था रॉयल क्रेस्ट यानी जैसे राजा का ताज नहीं होता वैसा वैसा, नो, हाँ हाँ ऐसे उसको इस तरह डिजाइन का था वो, इतना मतलब वो लुक आफ्टर वो जो वो थे ना लैंप लाइटर्स उसको उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते थे। वैन गैस लैम्प स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम 1805 ऑनवर्ड्स, जब गैस लैम्प आ गए ना पहले तो वो थे ना वो ऑयल ऑयल वाले लैम्प, अब आ गए गैस लैम्प्स 1805 ऑनवर्ड में आए। दे चेंज द वर्क ऑफ लैम्प लाइटर्स, उन्होंने ना उनका काम ही बदल दिया लैम्प लाइटर्स का। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर मतलब टू लाइट काम करते थे, हाँ नहीं वो उनको बार बदलना था पड़ता है, इसको तो बार बदलना पड़ता था ना, वही तो जल्दी ऑटोमेटिक जल काम होगा थोड़ा बहुत। रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड लोड्स ऑफ द वर्क लाइक द ऑयल लैम्प्स, ये ना ऑयल लैम्प्स सब ये वर्क इंसान से नहीं ज़्यादा वर्क काम ज़्यादा करवाती थी इंसान से, लेकिन जो ये है ना ये वाले ऑयल गैस लैम्प्स इसने इंसान का काम कम कर दिया और इसकी स्मेल और इसकी अच्छी स्मेल अच्छी हो गई एंड रिप्लेसिंग द एम ट्रिपिंग विथ, इसकी शेप भी बदल गई। सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट
देयर जॉब वाजंट द सेम एनी मोर. उनमें से कुछ लैंप लाइटर्स थे ना, फेल्ट फील की सेकंड फॉर्म फील महसूस किया कि उनकी जो जॉब है ना अब वो चेंज, वो पुरानी वाली नहीं रही, चेंज हो गई है. चार्ल्स डिकेंस कैप्चर दिस फीलिंग इन द स्टोरी. कैप्चर डिकन ने एक स्टोरी में इसमें ही सब कुछ कैप्चर किया. द लैंप लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज, वो कहता है कि चार्ल्स सेकंड ना इसके बारे में सोच रहे हैं कि लैंप लाइटर ने ना अपने अपने कैरेक्टर अपने अपने बारे में बता रहा है कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदली ऑयल वाले लैंप से तो गैस वाले लैंप पे. बाकी कुछ कहता ही है आई फोर सी इन दिस ब्रेक इन दिस द ब्रेकिंग अप आवर प्रोफेशन, कि मुझे नहीं लगता हमारा जो प्रोफेशन है ना अब वो आगे चलेगा. देयर नो गोइंग द राउंड्स टू बी ट्रिम बाय डे लाइट, नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ओवर द. अब वो कह रहा है कि पेड़ ने पढ़ा था ना कि वो इंसान के ऊपर गिर जाती है, हाँ वो टपक पड़ती है, लेकिन वो कहता है अब नया अब वो जो गैस वाले थे ना उससे ना इंसान के ऊपर गिरती नहीं थी, बेशक वो हंसे रोए जो मर्जी करे उसके ऊपर गिरती नहीं थी, काम अगर गिरती भी थी तो बहुत काम गिरती थी. गैस लैंप्स वर बेटर देन ऑयल लैंप्स इन मैनी वेज, गैस लैंप्स जो थे ना वो बहुत से तरीकों से ना ऑयल लैंप्स से बहुत बेहतर थे. ऑल द बिग इशू विद देम वॉज डैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप. ऑल दो बिग इशू, ये वो फिर से पढ़ लेंगे. ऑल दो अ बिग इशू विद देम वॉज डैट एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, यानी ये सारे जलते थे, ये नहीं ये कोई ख़राब हो गया फट, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे थे जो फट जाते थे अगर वो ज़्यादा देर चले, उनको रिप्लेस ना किया जाए तो वो फट जाते थे ओवर टाइम. गैस लैंप्स रिप्लेस ऑयल लैंप्स लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ, जब इलेक्ट्रिसिटी आई ना, जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई तो फिर गैस लैंप्स ना रिप्लेस हो गए यानी तब्दील हो गए इलेक्ट्रिक लैंप्स में, हाँ इलेक्ट्रिकल लैंप्स में. अब वो स्ट्रीट्स पे अब वो मॉडर्न स्ट्रीट्स हैं, जैसे मॉडर्न स्ट्रीट जैसे कलोनी में वहाँ पे वो लगते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल लैंप्स. टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैंप्स इन लंदन, आज भी लंदन में 1500 तक गैस लैंप है और 5 people आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट डैम. 5 उसको मुलाजमत में हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं हर रोज के. अच्छा हाँ, द लाइट डैम दे लाइट डैम एवरी इवनिंग एंड पुट डैम आउट एवरी मॉर्निंग, मतलब वो हर रात को लाइट जलाते थे और सुबह के बाद उठाए देते थे, हाँ बंद कर देते थे. दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड एट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द सिटी. ये लाइट लाइटर्स थे जो ये लाइटर्स थे लैम्प लाइटर्स, ये इसकी इतनी देखभाल करते थे क्योंकि ना ये अब उसकी तारीख में आ चुका था, लंदन की तारीख में आ चुका था. Kensington Palace Garden is the name of long is the name of long avenue in London. एक ना तवील इमारत है लंदन में उसका ये नाम है, ये वहाँ पे है लंदन में. उसको ना एक सीधी लाइन जैसे लाइन नहीं होती सीधी उस तरह की है, उसके आर पार ना नहीं बिल्डिंग्स हैं पुरानी एंड इज लिट एंटरली बाय गैस लैंप्स, और वो उसके बाहर गैस लैंप्स भी लगी हैं. देयर यू कैन इमेजिन व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकेंस, आप सोच सकते हो कि उस वक्त क्या था कि ऑयल लैंप्स इस्तेमाल किए जाते थे चार्ल्स डिकेंस के वक्त में, और अब क्या है अब इलेक्ट्रिकल लैंप्स इस्तेमाल किए जाते हैं.